एक बार एक राजा को स्वप्न आया कि उसके सारे दांत टूटकर गिर गए। उसने अगले दिन एक ज्योतिषी को बुलाया और इस स्वप्न का अर्थ पूछा। ज्योतिषी ने कहा कि इस स्वप्न के अनुसार आपके परिवार के सभी सदस्य आपके सामने मरेंगे। राजा क्रोधित हुआ और राजा ने उस ज्योतिषी को मृत्युदंड दे दिया। अगले दिन राजा ने किसी दूसरे ज्योतिषी को बुलाया और उससे इस स्वप्न के अर्थ के बारे में जानना चाहा। उस ज्योतिषी ने राजा को बताया कि राजन, इस स्वप्न के अनुसार आपके परिवार के सभी सदस्यों में आपकी आयु लंबी है। राजा प्रसन्न हुआ और राजा ने उस ज्योतिषी को बहुत सारे हीरे जवाहरात देकर रवाना किया। दोनों ज्योतिषी की बात का मतलब एक ही था, पर दोनों के कहने का तरीका अलग अलग था। किसी ने सत्य कहा है कि जख्म का घाव भर जाता है, पर जुबान का लगा घाव कभी नहीं भरता। इसके लिए हमें हमेशा तोल कर बोलना चाहिए। हमारी बात किसी को प्रसन्न कर सकती है तो किसी को दुख भी पहुंचा सकती है। तो मित्रों, ये बात आपको बहुत अच्छी लगी होगी। राधे राधे।